नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवर्म्स ऑफ एसएससी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमटीएस 2017 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये तो नेसेसरी थिंग है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है वहां पर। इसके बाद जो सेकेंड मोस्ट थिंग रिक्वायर्ड है वो है आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्योंकि ये 10th बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसलिए सबसे ज्यादा मैटर आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट करेंगे। लेकिन अगर आपने 12th और ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप उसके सर्टिफिकेट्स भी साथ लेके जाइए, जरूरी नहीं है, लेकिन 10th के सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा नेसेसरी है इस एग्जाम के लिए। तीसरे नंबर पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंटर फॉर्मेट में। याद रखिएगा, सेंटर फॉर्मेट के अलावा कोई भी और फॉर्मेट अलाउड नहीं करता एसएससी। फोर्थ नंबर पर आता है एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं इसे। इसके बाद पांचवें नंबर पे चाहिए आपको एफिडेविट, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज हुआ है या कोई एप्लीकेशन में एरर है, आपने नाम गलत लिख दिया है या फिर एड्रेस में कोई चेंज है, तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट लेके जाना होगा। इसके बाद छठे नंबर पर आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जिसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड शामिल हैं। सातवें नंबर पर आपके पास एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तब ये चीजें तब एप्लीकेबल हैं। और आठवें नंबर पर आपके पास जेरोक्स होने चाहिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के, जो कि नेसेसरी थिंग है सबके लिए, कम से कम दो दो जेरोक्स निकाल के लेके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है वहां पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।